हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 10th विज्ञान की। ये वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 25 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम अम्ल, क्षारक और लवण, हमारा ये चैप्टर जो है हम रिवाइज कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अम्ल क्या है? क्षारक सूचकों या रंगों का मिश्रण है। अम्ल क्षारक जो है सूचक रंजकों या रंगों का मिश्रण है जिनका उपयोग अम्ल क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पर दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, तो आपको करने हैं। निम्नलिखित अम्ल में प्रत्येक के प्राकृतिक स्रोत वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, देखिए, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको लिखेंगे, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है किसमें होगा? एग्जाम्पल आपको लिखने हैं तो आप लिख देंगे नींबू। ठीक है, सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में, तो एक एग्जाम्पल आप देंगे। दूसरा है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल के लिए आप लिख देंगे पालक। लैक्टिक अम्ल के लिए आप लिख देंगे दही। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप दे देंगे। सिट्रिक अम्ल किसमें है? नींबू। ऑक्सैलिक अम्ल पालक में, और लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दही में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, साथ साथ कॉपी में करते रहिए। कुछ प्राकृतिक सूचकों और कुछ संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो देखिए प्राकृतिक सूचक क्या हो जाएंगे? नंबर 1 पे हम प्राकृतिक सूचक लिख रहे हैं, तो प्राकृतिक सूचक में आप लिख लेंगे लिटमस। ठीक है, और साथ में लिख लेंगे हल्दी। तो हल्दी, लिटमस, ठीक है, ये क्या है? ये जो है प्राकृतिक सूचक है। लाल गोभी है, या आपका चाइना रोज के फ्लावर हैं, वो सब क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। संश्लेषित सूचक नंबर 2 पे लिख रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज ये आपका संश्लेषित सूचक हो जाएगा। और दूसरा आप लिख सकते हो फिनोफ्थलीन, तो वो भी आप लिख सकते हो फिनोफ्थलीन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गंधीय सूचक क्या है? एक उदाहरण भी दीजिए। तो गंधीय सूचक क्या है? जिनकी क्षारकीय माध्यम में उनकी गंध बदल जाती है, तो वो कौन से सूचक होंगे? गंधीय सूचक होंगे। उदाहरण भी देना है, तो ये करते हैं आंसर। सो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में क्या हो जाती है? बदल जाती है, जैसे प्याज का रस है, लौंग है आदि। तो ये एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, शुष्क एचसीएल गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदल पाती? तो देखिए शुष्क एचसीएल जो है वो शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदल पाती? क्योंकि शुष्क एचसीएल में जो पानी है उसकी मात्रा नहीं होती है, और पानी के बिना कोई भी अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा, आयन ही नहीं फॉर्म होंगे, जिसके कारण ये जो है अपना रंग नहीं बदल पाता। ठीक है, लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल पाती शुष्क गैस। तो यहाँ से आप आंसर करेंगे, शुष्क एचसीएल आयनों में विभाजित नहीं होता, क्योंकि जल की उपस्थिति में अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, नहीं लिख लीजिएगा, नहीं करता है, इसलिए यह लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल पाता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल उपस्थित है? टमाटर, सिरका और इमली, आपको एग्जाम्पल देने हैं। सो यहाँ से आंसर लिखेंगे, टमाटर में आप लिखेंगे सिट्रिक अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल है, और इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है? इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हम रसायनों के साथ अम्ल और क्षार का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको लिखना है। तो देखिए, हम रसायनों के साथ अम्ल और क्षार का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो रसायन यहाँ पे लिखा गया है, और अभिक्रिया बता दीजिए। तो देखिए, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल जो है वो लवण और जल बनाएगा, लेकिन क्षार की कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसी तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ लवण और जल बनाएगा अम्ल, लेकिन क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनके साथ भी अम्ल जो है वो लवण और जल बनाता है, लेकिन क्षार के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती। तीनों में ही जो है कोई अभिक्रिया नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल और क्षार के किन्हीं 3 भौतिक गुणों के नाम गुणों को लिखिए। तो देखिए बहुत ही आसान है, अम्ल जो है वो कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल करते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं? क्षार जो है वो लाल को नीला कर देते हैं। अम्ल उनकी गंध तीखी होती है, जबकि जो क्षार है उनके में कोई ऐसी गंध नहीं होती, साथ ही वो साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, नीचे दिए गए विलयनों का परीक्षण सार्वभौमिक सूचक से किया गया, और आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, वॉशिंग लिक्विड पीला है, सल्फ्यूरिक अम्ल लाल है, धातु पॉलिश गहरा नीला, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हल्का नीला है। आपको यहाँ पर बढ़ते हुए पीएच मान में लिखना है। तो सबसे जो कम पीएच है वो यहाँ पर किसकी होगी? जिसका लाल रंग है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की सबसे कम पीएच होगी।
तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सल्फ्यूरिक आम्ल, यानी नंबर एक पे लिखेंगे सल्फ्यूरिक आम्ल। उसके बाद उससे ज़्यादा यानी H2SO4, इसकी सबसे कम पीएच होगी। उसके बाद नेक्स्ट पीएच ज़्यादा किसकी होगी, जो वॉशिंग लिक्विड है उसका रंग कैसा है, पीला है, तो वॉशिंग लिक्विड की पीएच उससे ज़्यादा हो जाएगी। आप लिखेंगे वॉशिंग लिक्विड, ठीक है, ऊपर से भी लिख लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए इससे ज़्यादा पीएच किसकी होगी, इससे ज़्यादा पीएच होगी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि कैसा है, हल्का नीला है। तो यहाँ पर उसके बाद लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ से लिख लीजिए। और लास्ट में सबसे ज़्यादा पीएच किसकी होगी, धातु पॉलिश की होगी। तो आप इस तरह से नंबर वन पे सबसे कम सल्फ्यूरिक आम्ल, नंबर दो पे होगा वॉशिंग लिक्विड, नंबर थ्री पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नंबर फोर पे होगा धातु पॉलिश। तो इसको बढ़ते हुए पीएच में आप ऐसे लिख देंगे, नंबर वन, देन नंबर टू, देन नंबर थ्री एंड देन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे दिया गया है लिटमस विलियन जो है एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे एक पौधे लाइकेन से निकाला जाता है। तो लिटमस विलियन क्या है, एक बैंगनी रंग का रंजक है, एक पौधा होता है लाइकेन, उससे इसको निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब ये न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय होता है, तब यह कैसे रंग का होता है, तब यह है बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। नंबर 9 क्वेश्चन दिया गया है पीएच, ये जो है क्वेश्चन हमारा है 9, पीएच पेपर का रंग अत्यधिक अम्लीय है, अत्यधिक क्षारकीय व उदासीन विलियनों में क्रमशः। देखिए जब अत्यधिक अम्लीय होगा तो पीएच पेपर का रंग कैसा होगा, लाल होगा। अत्यधिक क्षारीय होगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गहरा बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पीएच बढ़ती है गहरे बैंगनी की तरफ बढ़ती चली जाता है कलर। और जब उदासीन होगा तो उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग हरा होगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट है और काफ़ी अच्छी तरह से जो है आपको दिया गया है। सो आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।